हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो कि सेमेस्टर 4 एंड बीके प्रोग्राम स्टूडेंट के जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके। और इससे पहले हमने क्लासेस जो बाकी के 10 क्लासेस कराई है, आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो हमारी क्लासेस है 11 है, तो आपको एक काम करना है कि जो आपके पेपर से कम इसको एक बार रिपीट करना है। क्लासेस 1 से 11 तक आपको सभी वीडियो को दोबारा से देखना है, जिससे कि आपका रिविज़न हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% जो चांस है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये देखने को आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। जो भी हमने 11 वीडियो बनाई है उसमें से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके पेपर में इस वीडियो में से आ जाएंगे, और आपको पेपर में 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखिए, इसमें हम 2 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे आपको। इस वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, एंड इसके बाद एक सेकेंड क्वेश्चन है उसका भी बताएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट पहले बताते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड। डिजिटल पुस्तकालय किसे कहते हैं, इसके लाभ और हानियाँ भी बताइए। तो पहले ये किसे कहते हैं, पुस्तक जो डिजिटल होती है जैसे कि ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, ठीक है। एंड इसके लाभ और हानि, तो लाभ के जरिए आपको विशेषताएं पूछे या महत्व पूछे, तो जब भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी या पुस्तकालय एक प्रकार का ऑनलाइन पुस्तकालय है। इसके जरिए उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से अपने घरों में बैठकर हर प्रकार के पुस्तक को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आपको यह समझ में आया, देखो डिजिटल लाइब्रेरी पूछे या पुस्तकालय पूछे, तो दोनों का मतलब एक ही है। पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि डिजिटल लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता, इसके महत्व या इसके हानि बताइए। तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन याद रखना है कि पेपर में किस टाइप से आएगा। और ये क्या होता है, ये एक इंटरनेट के जरिए आप अपने घरों में बैठ के स्टडी कर सकते, इसके लिए एक आपका अच्छे तरह से आसानी से आपके घरों में प्रकार को देता है कि आप अपने उपयोगकर्ता अपने इंटरनेट के जरिए आप पढ़ सके, समझ सके, इसे लिख सके। इस पुस्तकालय में डाटा डिजिटल स्वरूप जैसे कि प्रिंट, माइक्रोफॉर्म या अन्य मीडिया के विपरीत में स्टोर होता है, और कंप्यूटर द्वारा एक्शन किया जा सकता है, करेंट और स्थानीय रूप से स्टोर किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, जो इसमें डाटा होता है डिजिटल होता है, डिजिटल मतलब होता है ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। और इसमें मीडिया के विपरीत जैसे कि आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, कंप्यूटर में जो भी एक्शन किए जाते हैं उस सभी के बारे में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। भारत भी तेजी से डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। भारत सरकार दिन प्रतिदिन नए नए योजनाएं जनता के लिए सुविधा लेकर आ रही है, ताकि लोगों की समस्या को कम किया जा सके और समय की बचत भी हो सके। तो जो भारत क्या है, आज की डेट में ऑनलाइन माध्यम सभी को पसंद आ रहा है और सभी डिजिटल बनते जा रहे हैं, कि जो कि नए नए ऐप योजनाएँ आप देख सकते हैं। पहले यही होता था, आपको कोचिंग जाने की पड़ती थी अगर आपको कोई बुक पढ़नी है या कुछ भी पढ़ना है, लेकिन आज की डेट में ये इंटरनेट के माध्यम से आप घर में बैठे किसी भी वेबसाइट को अकॉर्डिंग, किसी भी ऐप पर, किसी एप्लीकेशन पर आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, डिजिटल के अकॉर्डिंग ही किए जा रहे हैं। जैसे डिजिटल लॉकर, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल सिग्नेचर आदि, अब भारत सरकार एक और नई सर्विस लेकर आई है जिसका नाम है डिजिटल लाइब्रेरी। तो एक नई सर्विस आई है जो डिजिटल लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग मानी जाती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे हम आपको देखते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को सीरी में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें डॉक्यूमेंट आपके होते हैं जो उसको पीडीएफ में बनाकर उसे सेव किया जाता है। ठीक है, इसके जरिए इंटरनेट पर पत्रिकाएं, समाचार पत्र, किताबें, ईमेल, साउंड फाइल और वीडियो आसानी से देखे जा सकते हैं, जिसके जरिए आप सब ये चीज़ें देख सकते हैं इंटरनेट पर। इसके लिए किसी भी एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे स्वयं आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इन पीडीएफ फाइलों का प्रिंट भी लिया जा सकता है, तो आप इन सब पीडीएफ फाइलों का प्रिंट ले सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी को इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, हाई बिल्ड लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको 2 नाम और भी दिए गए हैं जो इस नाम से जाना जाता है, पेपर में इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट ले सकते हैं, हम आपको कोई ये पीडीएफ हम आपको सेंड करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं ना, डिजिटल के अकॉर्डिंग ही पढ़ सकते हैं, इंटरनेट के जरिए ही आप पढ़ सकते हैं ना, ऐसे तो आप ले नहीं सकते हमारे पास आके। तो इसके आगे हम देखते हैं। एक डिजिटल लाइब्रेरी प्रिंट या माइक्रोफॉर्म जैसे मीडिया के अन्य रूपों के विपरीत लाइब्रेरी का एक विशेष रूप है जो डिजिटल संपत्ति का एक संग्रह शामिल करता है। ऐसे डिजिटल वस्तुएं सामग्री, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में हो सकती है। तो ये सब कैसे हो सकती है, जो ऑडियो वीडियो सामग्री होती है, मीडिया होती है, इन सभी के जरिए आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए। इसमें मीडिया फाइलों की व्यवस्थित करने, स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने की विशेषता भी हो
है और संग्रह बनाती है। दूर से स्टोर होने पर डिजिटल लाइब्रेरी में करंट और स्थानीय रूप से स्टोर या नेटवर्क के माध्यम से एक्शन किया जा सकता है। तो इसमें ये होता है कि जो मीडिया के माध्यम से फाइलों को पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है, उसको उसमें चेंजिंग भी की जा सकती है नेटवर्क के माध्यम से। इसके आगे देखते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल रिसोर्स का एक संग्रह होता है जो केवल डिजिटल रूप से मौजूद होता है या उन्हें दूसरे रूप से डिजिटल में परिवर्तित किया जा सकता है। इन रिसोर्सों को आमतौर पर फॉर्मेट की एक विशेष श्रृंखला में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क पर उपयोगकर्ता द्वारा एक्शन लिया किया जा सकता है। इस तरह की लाइब्रेरी को प्रतिरोज अपडेट किया जा सकता है और उपयोगकर्ता द्वारा तुरंत एक्शन किया जा सकता है। तो इसमें ये होता है, इस टाइप की जो लाइब्रेरी होते हैं उसमें चेंजिंग किए जा सकते हैं तुरंत। अगर आपको कोई लगता है आपने कोई मिस्टेक किया, नया कोई अपडेट आता है, तो उसे अपडेट करके आप उसे चेंज कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को उसे पढ़ने में अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे ले देखने के लिए पसंद करो कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, ये तो आपका जो आपके पेपर में आएगा डिजिटल लाइब्रेरी से आप समझते क्या है या डिजिटल पुस्तकालय से आप समझते क्या है, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके देखिए यहाँ से आपका आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह सकते हैं आप डिजिटल लाइब्रेरी के लाभ। डिजिटल लाइब्रेरी के निम्नलिखित लाभ होते हैं, तो देखिए एक एक करके पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, डिजिटल लाइब्रेरी के उपयोगकर्ताओं को शारीरिक रूप से पुस्तकालय में जाने की आवश्यकता नहीं, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त किया जा सकता है। आपको समझ में आ गया कि आपको अगर कोई भी इंटरनेट के जरिए आप कोई भी किताबें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको शारीरिक रूप से वहाँ पर जाके बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है कि आपको कॉलेज जाके स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पर भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, डिजिटल लाइब्रेरी को कभी भी दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन एक्शन किया जा सकता है। तो आपको इसको पूरे 24 घंटे और ये 365 दिन आप इसको कभी भी देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, एक ही रिसोर्स का उपयोग एक ही समय में कई उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है। तो आप एक ही चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी एक अधिक संचलित तरीके से बहुत समृद्ध सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। तो इसमें आपको इंटरनेट के जरिए अच्छे अच्छे सामग्री प्राप्त होते हैं, अच्छे अच्छे लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो इसका फाइव पॉइंट है, गुणवत्ता में किसी भी गिरावट के बिना मूल की एक सटीक कॉपी किसी भी समय बनाई जा सकती है। तो मतलब कोई भी गिरावट के बिना ही एक नई कॉपी आप नए अपडेट कर सकते हैं किसी चीज़ में। एक विशेष डिजिटल लाइब्रेरी अन्य डिजिटल लाइब्रेरी के किसी भी अन्य स्रोतों को बहुत आसानी से लिंक प्रदान कर सकती है। तो मतलब कि जो इंटरनेट के जरिए ये होगा कि आपको अगर कुछ स्टडी मटेरियल आपके पास है उसको आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनको लिंक सेंड कर सकते हैं। सेवन पॉइंट है, पारंपरिक लाइब्रेरी स्टोरेज स्पेस द्वारा सीमित है, डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत अधिक जानकारी स्टोर करने की क्षमता होती है, क्योंकि डिजिटल जानकारी के लिए उन्हें रखने के लिए बहुत कम फिजिकल स्थान की आवश्यकता होती है। तो इसमें इंटरनेट पर आपको बहुत सारी चीज़ें कम स्पेस में आपको देखने को मिल जाती है, जो फिजिकल में ये होता है कि वहाँ के लिए उनको जगह खोजनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर स्थान की जरूरत नहीं होती है। जो लास्ट पॉइंट है इसका एट, एक डिजिटल लाइब्रेरी को बनाए रखने की लागत पारंपरिक लाइब्रेरी की तुलना में बहुत कम है। एक पारंपरिक पुस्तकालय को कर्मचारियों के लिए भुगतान करने, पुस्तक के रखरखाव, किराए और अतिरिक्त पुस्तकों के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है, डिजिटल लाइब्रेरी पर इन चीज़ों को दूर करती है। तो जैसे कि आपको ये बताया जा रहा है कि आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं, जब ऑफलाइन आप क्लासेस लेने तो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं, वहाँ पर बुकें होती हैं, उनको देख रेख, उनके साफ़ सफाई के लिए जो भी कुछ वहाँ पर वर्कर होते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इंटरनेट पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपके पैसे की बचत होती है। अब देखिए जो डिजिटल लाइब्रेरी की हानियाँ क्या है, नुकसान क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। कॉपीराइट, डिजिटलीकरण कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि एक लेखक की विचार सामग्री उनकी स्वीकृति के बिना दूसरे द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है। इसलिए डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एक गठित सूचना को विपरीत करने का तरीका है। तो मतलब कॉपीराइट का मतलब ये कि किसी एक व्यक्ति ने किसी चीज़ के बारे में अपलोड कर दिया, पोस्ट अपलोड कर दिया कि आज सोशल मीडिया पर ये वाली पुस्तक अपलोड की, तो उसका दूसरा व्यक्ति यही करता है, उसका कॉपी पेस्ट करके वो अपने अपलोड कर देता है, जिससे कॉपीराइट होता है, इससे नुकसान होता है उन्हें। प्रारंभिक लागत अधिक, डिजिटल लाइब्रेरी की बुनियादी सुविधाओं की लागत यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की लागत, पट्टे पर संचार सटीक आमतौर पर बहुत अधिक है। तो इनमें जो होता है कि इसमें हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर की लागत होती है, इन सबको देखा जाता है। इसके आगे देखिए दक्षता,
डिजिटल जानकारी की अधिक मात्रा के साथ एक विशेष कार्य के लिए सही सामग्री ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तो इसमें एक सही सामग्री ढूंढना मुश्किल हो सकता है कि इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें अपलोड है, अब आपको कौन सी जानकारी चाहिए उसमें खोजने में आपको समय लगेगा, तो सही जानकारी मिलना मुश्किल हो सकता है। पहुँच की गति, जैसे जैसे अधिक से अधिक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ते हैं इनकी पहुँच की गति कम होती जाती है। यदि कई तकनीकी समस्या को हल करने के लिए विकसित नहीं होगी तो निकट भविष्य में इंटरनेट सुस्ती संदेशों में भरा होगा। पहुंच की गति मतलब कि जैसे कि आप देखते हैं आपके रिजल्ट ही आते हैं तो ये एक साथ सभी लोग वहाँ पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो इंटरनेट जो है चलना काम करना बंद कर देती है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, तो एक समस्या ये है। ब्रांड की चौड़ाई, डिजिटल लाइब्रेरी को मल्टीमीडिया रिसोर्स के हस्तांतरण के लिए उच्च ब्रांड की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके अधिक उपयोग के कारण ब्रांड की चौड़ाई दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसका 6 पॉइंट है पर्यावरण। डिजिटल लाइब्रेरी एक पारंपरिक पुस्तकालय के वातावरण को पूर्ण फिर से नहीं कर पाते। कई लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ने की सामग्री की तुलना में पढ़ने के लिए मुद्रित सामग्री पढ़ना ही आसान लगता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कि आपके इंटरनेट पर पढ़ना उन्हें पसंद नहीं आता, उन्हें मुद्रित सामग्री मतलब छपी हुई किताबें लेने में अच्छी लगती है, उन्हें पढ़ने में समझ आता है, जिससे ये होता है कि पर्यावरण को इससे नुकसान होता है। जितनी ज़्यादा पेड़ कटेंगे उतनी ज़्यादा किताबें छपेंगी, पेजेस छपेंगे, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं, इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, संग्रहालय के डिजिटल होने के तीन कारण कौन से हैं। तो मतलब जो संग्रहालय अब डिजिटल कैसे हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है, उसके कारण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम में से अधिकांश लोग संग्रहालय प्रदर्शनी के व्यक्तिगत अनुभवों से परिचित थे। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, ध्यान से चुनी गई वस्तुओं की जांच करना और पढ़ने के प्रदर्शन जो एक व्यापक कहानी को एक साथ बुनते हैं। संग्रहालय प्रदर्शनी हमें कला का एक परिपेक्ष या हमारे अतीत में एक झलक प्रदान करती है। वे हमारे अपने विचारों छापों को प्रतिबिंब करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो मतलब कि जो आपके विचार होते हैं, जो आपकी कला होती है, जो उसका प्रतिबिंब देता है कि आप उसे उनकी छाप छोड़ सकते हैं। म्यूजियम पता ही है कि म्यूजियम में आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि उस समय में वहाँ क्या हुआ था। एक संग्रहालय प्रदर्शनी के व्यक्तिगत अनुभव के कुछ खास है और अब प्रौद्योगिकी की शक्ति उस अनुभव को नए और रोमांचक तरीके से सुलभ बना रही है। तो इसके कारण ये हो रहा है कि नए नए तरीके अनुभव आपके सामने आ रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से बनाने में रोमांचक हो रही है। मार्च 2020 के कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद से प्रौद्योगिकी ने दुनिया भर के लोगों को अपने घरों में आराम से संवाद करने और सीखने, खरीदारी करने और काम करने में मदद की। तो आपको पता है कोरोना वायरस आया तो लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण ये हुआ कि लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब हर चीज़ जो आपके घर में बैठे ही काम किए जा रहे थे इंटरनेट के जरिए, कि जैसे कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना हो गया या आपके जो भी काम हो गया, ऑफिस का काम हो गया, घरों के काम हो गया, ये सब करते थे। अब डिजिटल संग्रह और प्रदर्शनियों के लिए धन्यवाद। संग्रहालय का दौर घर से भी किया जा सकता है। अब इसके घर बैठ के भी आप इसका दौर शुरू कर सकते हैं। देखिए, संग्रहालयों के डिजिटल होने के तीन कारण, तो इसके तीन कारण क्या है, तो ये देखिए जो परिचय में लिखा है ऊपर जो हमने आपको अभी बताया, अभ्यासी कहानी कहने से संग्रहालय का अनुभव बढ़ता है। मतलब कि जैसे कि आपको कोई अभ्यासी कहानी जो आप रिपीट करते हैं तो म्यूजियम का जो होता है अनुभव आप सभी के लिए बढ़ता है। अभ्यासी कहानी कहने के लिए आवश्यक तकनीकी समय में महंगी और लागू करने के लिए जटिल थी। तो एक समय ऐसा था कि ये बहुत ज़्यादा महंगी और ये जटिल हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। प्रौद्योगिकी अधिक किफ़ायती होती जा रही है और तेज़ी से उपयोगकर्ताओं का अनुकूलन हो रही है। उड़ी अभ्यासी वास्तविकता जैसे उपकरण संग्रहालयों को दृश्य सामग्री के व्यापक अनुभवों के माध्यम से संग्रह को जीवित बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये सब जीवित बनाने के इससे अवसर दिए जा रहे हैं। ठीक है, VR का उपयोग संग्रहालय भवन बनाने या प्रदर्शनियों में अंतरक्रियाशीलता जोड़ने के लिए किया जा सकता है। क्यूरा को किसी वस्तु के संदर्भ में प्रस्तुत करने में भी चमक बनाता है। जो इसी का सेकंड पॉइंट है, सांस्कृतिक विरासत की मूल्यवान वस्तु को साझा करने का अवसर। अधिकांश संग्रहालय अपने संग्रह का केवल एक छोटा सा हिस्सा प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो आपकी सांस्कृतिक विरासत की जो चीज़ें होती हैं ना, उसे ज़्यादातर जो म्यूजियम होती है लोगों के पास थोड़ी सी मतलब कम मात्रा में साझा करती है, शेयर करती है और ज़्यादा कंध नहीं करती है। उदाहरण के लिए
लेवर के पास जनता के देखने के लिए केवल 8% कार्य उपलब्ध है। आमतौर पर दुनिया भर के प्रमुख संग्रहालय उत्कर्षण कृतियों को सुरक्षित और अच्छी तरह संरक्षित रखने के लिए जनता से दूर छुपाते हैं, तो ये जनता के सामने नहीं लाते, उसे सुरक्षित रखने के लिए जनता के दूर छुपाते हैं। ठीक है, कृतियों को सभी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन देखा जा सकता है, और ये ऑनलाइन देखा जा सकता है सभी व्यक्तियों द्वारा। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिजिटल उपकरण वस्तुओं कलाकृतियों छवियों को विभिन्न तरीकों से जनता के सामने प्रस्तुत करने और योग्य उच्च जोखिम वाले बनाती है। तो ये डिजिटल करण से ये होता है कि जो कलाकृतियाँ होती है छवियाँ होती है सभी जनता के सामने आने लगती है। ठीक है, वस्तुओं को उड़ी मॉडल बनाने का विकल्प है जिन्हें फिर ऑनलाइन के साथ इंटरनेट किया जा सकता है और ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 2017 में ब्रिटिश संग्रहालय ने रोसेट स्टोन का एक सीडी स्कैन जारी किया जो दुनिया भर के लोगों को प्राचीन अवशेष को ऑनलाइन देखने के लिए जारी किया। मतलब प्राचीन अवशेष होते जो पुराने जमाने के, उसे सभी को ऑनलाइन देखा गया। सामग्री प्रकाशन उपकरण संग्रहालयों को प्रासंगिकता जानकारी के साथ संग्रह को साझा करने की अनुमति देता है, और ये सभी इनकी जानकारी को साझा करने की एक दूसरे की अनुमति देता है। छवियों और पाठ के माध्यम से संग्रहालय जाने वाले इन अनदेखी संग्रहों के साथ ऑनलाइन जुड़ा सकते हैं, तो ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभ्यासी पेशेकारों के माध्यम से संग्रहालय अपनी पहुंच पर विस्तार कर सकते हो और मूल्यवान वस्तुओं को जनता के लिए अधिक सुलभ बना सकते हैं, तो ये जनता के लिए अधिक सुलभ बना सकते हैं इसके जरिए। अब इसी का जो लास्ट पॉइंट है थर्ड, अभ्यासी संग्रहालय पहुँच को जोड़ता है। अभ्यासी संग्रहालय के बारे में बड़े लाभों में से एक यह तथ्य है कि संग्रहालय का ध्यान आतुकों को विवश नहीं करता। दुनिया भर के संग्रहालय जो डिजिटल पर्यटन शो और प्रदर्शनी की पेशकार करते हैं के स्थान और भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना अपने संग्रह में खुद को भी संचित करने की अनुमति देता है। ये दूरदर्शी समुदाय या ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खोलता है जो विभिन्न देशों में संग्रहालय के बारे में उत्साह, मतलब अलग अलग जो देश के लोग होते हैं उन सबको उत्साह होती है कि दूसरे देश के जाके देखा जाए, संग्रहालय म्यूजियम देखा जाए। ठीक है, अभ्यासी उपकरण अधिक किफ़ायती होने के साथ स्कूल दर्ज ही अभ्यासी स्कूलों के छात्रों को दुनिया भर में संग्रहालयों में ले जाने के लिए VR हेडसेट का उपयोग करने की क्षमता होती है। ये अभिगायता को बढ़ावा भी देती है, तो मतलब कि जो स्टूडेंट होते हैं, आपको पता ही है कि स्कूल के जरिए आपको म्यूजियम में घुमाया जाता है, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त किए जाते हैं। बुजुर्ग लोग, सीमित गतिशीलता वाले लोग या विकलांग लोग प्रदर्शनियों का आसानी से अनुभव करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं, और ऐसे समय में जब संग्रहालय को बंद होना चाहिए जैसे कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान, अभ्यासी संग्रह पहुँच का एक वैकल्पिक तरीका उदान करते हैं। अभ्यासी कहानी कहने के साथ संग्रहालय सामग्री प्रकाशन टूट के माध्यम से अपनी प्रदर्शनियों को साझा कर सकते हैं। तो मतलब कि कुछ समय ऐसा आता है जैसे कोरोना वायरस लॉकडाउन इन समय में ये चीज़ संग्रहालय जो होते हैं म्यूजियम बंद होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है अभ्यासी मतलब ऑनलाइन जो आपको अपलोड किए जाते हैं इसके द्वारा आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो यही यहाँ पर आपको ये बताने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो कुछ और देखिए, अभ्यासी कहानी कहने के साथ संग्रहालय सामग्री प्रकाशन टूल के माध्यम से अपनी प्रदर्शनियों को साझा कर सकते हैं जिन्हें सभी प्रकार के उपकरणों में आसानी से साझा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सामग्री प्रकाशन उपकरण मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कहीं से भी कनाडा की ट्रेन यात्रा के इतिहास को देखने योग्य प्रदर्शनी बना सकते हैं। मतलब कि आप लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन कहीं भी आपको ये सब चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यात्रा को बना सकते हैं, कहीं की भी यात्रा को कुछ भी देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन बताए कि जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि बाकी की सभी वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सभी वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको 11 क्लासेस बताइए जो कि आपको दोबारा से रिपीट करना है, सभी क्लासेस देखना है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।